देश भर में इन दिनों कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस अवसर पर भारतीय सेना द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों में समारोह और प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में लद्दाख में भारतीय सेना द्वारा स्थानीय निवासियों के लिए एक अनूठा कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारतीय सेना ने कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती के अवसर पर कारगिल में नो योर आर्मी यानी अपनी सेना को जानो कार्यक्रम का आयोजन किया। इस आयोजन में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के नवीनतम हथियारों और उपकरणों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। इस कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों, डिग्री कॉलेज, कारगिल डिग्री कॉलेज, जांस्कर और एनसीसी कैडेट के बच्चों सहित उत्साही भीड़ उमड़ी। इंटरैक्टिव प्रदर्शन और रोमांचकारी सवारी जैसे कि सैन्य वाहन अनुभव और लुभावनी हॉट एयर बैलून सवारी ने वहां उपस्थित लोगों को खूब आकर्षित किया। आज 25वें कारगिल जयंती के मौके पर इंडियन आर्मी के द्वारा यहाँ पे शोकास्ट के लिए इंडियन आर्मी के जो 99 वॉर्स में जो उन्होंने इक्विपमेंट यूज़ किया था वो यहाँ पे शोकास्ट के लिए रखे हैं। यकीनन एक प्राउड फील होता है कि इतने इक्विपमेंट्स हमारे पास है और हमें अपने आंखों से यहाँ पे देखने को मिला, बहुत अच्छा महसूस हुआ। इस तरह के इवेंट्स आगे आने वाले दिनों में होते रहने चाहिए। सबसे पहले तो मैं इंडियन आर्मी का बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा एक वेपन डिस्प्ले हो रहा है और हमारे सबसे हमारे फायदा हमारे जो एनसीसी कैडेट्स ऑफ जीडीसी कारगिल जो आज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत कुछ सीखने को बहुत कुछ देखने को मिल रहा है ताकि आगे जाके वो लोग भी बहुत से बड़े बड़े कैंप में बहुत से बड़े बड़े ट्रेनिंग में उन्होंने पार्टिसिपेट किया तो आगे जाके उनके लिए बहुत बड़ा एक फ़ायदा हो रहा है सर। इसमें क्योंकि इसमें हर चीज़ का हर जैसे डिफेंस में यूज़ होता है और हमारे कैडेट्स का भी यही रहता है कि ट्रेनिंग में वेपन्स ट्रेनिंग होता है, एक डिस्प्ले होता है तो उनको एक प्रकार से ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है कि इससे एक प्रैक्टिकली उनको देखने को और किस तरह ऑपरेट करते हो सब देखने को मिलता है। इससे हमारे बच्चों को और हमारे बच्चे कैडेट्स ही नहीं वाकई बच्चों को भी बहुत इससे फायदा मिलता है। इस आयोजन में मेजर जनरल सचिन मलिक GOC 8 माउंटेन डिवीजन मुख्य अतिथि थे। उनके साथ 121 इन्फेंट्री ब्रिगेड के ब्रिगेडियर प्रतीक पराशर और अन्य सेना अधिकारी भी मौजूद थे। भारतीय सेना की हथियार प्रदर्शन की इस पहल ने शिक्षा, मनोरंजन और प्रेरणा को सफलतापूर्वक आपस में जोड़ा जिसने वहां मौजूद 3000 से अधिक स्थानीय लोगों और उपस्थित बच्चों पर स्थायी प्रभाव डाला।